तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्या आप सीसी यानी या लिनक्स करने के बाद आप डेटा सेंटर में जा सकते हो, क्या आप क्लाउड में जा सकते हो, क्या आप जावा में जा सकते हो, क्या डॉटनेट में जा सकते हो, क्या पीएचपी में जा सकते हो, मतलब कोई बेसिकली ये टेक्नोलॉजी करने के बाद किसी और दूसरी टेक्नोलॉजी में आप मूव कर सकते हो इन फ्यूचर। तो अभी मैं यहाँ पर बात करूँगा सीसी यानी की या फिर लिनक्स की बात कर लो यहाँ पे, क्योंकि दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर। पहले मैं बात करता हूँ सीसी यानी की, जो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट जो होते हैं, बेसिकली वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, स्विच, राउटर, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, डीएससीपी, डीएनएस, तो ये बेसिक जो वर्क होते हैं नेटवर्क इंजीनियर के कंपनी के अंदर, तो वो सारे ये काम करते हैं। अब क्या होता है, देखो, एक तो सीसीएनए में खुद का ही डेटा सेंटर होता है जो कि नेटवर्क के बंदे मैनेज करते हैं, एक तो उसका खुद का डेटा सेंटर होता है। तो उसमें हो सकता है आपको, इसमें प्रोफाइल होती है कि नेटवर्क L1 या नेटवर्क L2 या नेटवर्क L3, तो जो L3 वाले बेसिकली पर्सन्स होते हैं वो काम करते हैं डेटा सेंटर्स में, ठीक है। तो एक इनका खुद का डेटा सेंटर हो गया। दूसरा डेटा सेंटर होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी होती है टोटल, क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। अब आप बोल लो कि वो एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है जो कि एक वो उस तरीके का डेटा सेंटर होता है। तो अगर आप सीसी आने से क्लाउड में जाना चाहो, जावा में जाना चाहो, पीएचपी में भी जाना चाहो, तो किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो 2, 4, 5, 10 साल बाद, जब भी आपका मन करे आप मूव कर सकते हो। जैसे आपको वो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए या आपको वो टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, आप किसी भी फील्ड में मूव कर सकते हो। आप लिनक्स में जॉब कर रहे हो, आप क्लाउड पे जा सकते हो, आप क्लाउड पे जॉब कर सकते हो, कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हो, आप मशीन लर्निंग पे जा सकते हो, आप डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम कर रहे हो, आपको लिनक्स में जाना है, आप लिनक्स में जा सकते हो। तो ये ओपन टू सोर्स टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि आप कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी में मूव कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, बट आपको वो टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, वो टेक्नोलॉजी आपको आते होना चाहिए, इसके बाद आपको जॉब मिल जाती है इजीली। और बाकी रही बात डेटा सेंटर की, आपको आराम से नेटवर्क के बंदे डेटा सेंटर में मिल जाते हैं या आप भी इजीली जा सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for coming here.